आपका नाम क्या है भैया? आपका नाम के लाइफ मा तपाईहरुलाई स्माइल गर्नुछु भने हैन मेरो फेस हेर्नु होला। अनि यतातिर टिकटको प्लेट थाम पनि काट्नु पर्छ कि नकाटेपछि के हो रे गर्छु नि त। हुन्छ ब्याक टु माइ न्यू ब्लग, आजको मैले तपाईँलाई स्वागत छ, आयो भन्छुला सुन्छु होला म पनि छु। अनि यतातिर मैले भैया भेटिसकेको छु, बाइ द वे मसिन हिँड्ने दाइ भैयाजी आई बोल्नु आप देख सकते हो मैं आ चुका हूँ। अब हिंदी बोलने बड़े क्या हो जिसको लाइक रहा न्यू दिल्ली हो तो ट्रेन तो लगातार धेरी अति बाइज अभी के खासियत है खासियत ये मानी कोई बोलते तेरे नास्ता फोन लेते हुए अभी मैं कहीं खाई जान मेनली मैं देवेर दाई मैं घुमा दाई राम न्यू दिल्ली का सीस्टम यहां यहां होता है अच्छा कितना अच्छा हे इधर मैं फर्स्ट टाइम आया था ना मेरे को ऐसा लगा कि ओ बाप रे कहाँ से आया जो लगा मेरे इधर नर्वस किया था मैं है ना, लेकिन भैया इधर बैठ गया अभी बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। हिंदी थोड़ा थोड़ा मालूम नहीं है मेरे को, लेकिन आपको समझ में आ रहा है बहुत अच्छा है। मेरे को नहीं आता ना हिंदी हिंदी शुरुआत में ऐसा ऐसा होता है अड़की अड़की बोलता है। भैया आपको तो समझ में आता है ना, भैया को समझ में आता है आपको नया है तो कुछ नहीं बात होगा। लेकिन भैया मेरे को सबसे अच्छा लगा है ना ये लिफ्ट, इलेक्ट्रिसिटी लिफ्ट दिल्ली पे बहुत अच्छा है। उधर नेपाल में एक भाटभटी नहीं बाजार में ये वो मॉल है ना भैया, इसलिए और कहीं पे नहीं। इधर तो ठाव ठाव में ये वाला क्या बोलता है एस्केलेटर। और मैं आपको बाहर के नजारा देगा देखा तू देखो बाहर का नजारा कितना अच्छा है, अच्छा अच्छा बहुत अच्छा है। लेकिन इधर लोग बहुत बहुत है। ये तो भोपाल है ना भैया, इतना अच्छा है माय गॉड देखो पसाड़ी का। भैया आपका गर्लफ्रेंड है क्या? नहीं भाई नहीं है। आप भी सिंगल? मैं भी सिंगल। क्या आपने पटना था ना इतना हैंडसम हो चिकना हो भैया अच्छा हो तो क्यों ऐसा? भैया ने मेरे को बहुत समझाया गर्लफ्रेंड नहीं बनाने का, गर्लफ्रेंड बनाया तो पागल हो जाओगे तुम लोग। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी करो, बाद में गर्लफ्रेंड शादी शादी वो सब हो जाएगा बच्चा। इधर न्यू दिल्ली में है ना बहुत लोग चोरते हैं ना सामान, इधर बहुत खटा खटा लोग है ना, चोरी होता है मेरे को पता है। इधर न्यू दिल्ली में चोरी होता है। मेरा एक सामान था पहले दे रहे हो ओल्ड ओल्ड सामान था मेरा तोड़ दिया न्यू दिल्ली में। ये एक्ल न आने होगा क्योंकि ये लूटपाट भी होने सकता तबर कोई साथी भेटा। न्यू दिल्ली में जाम तो लास्ट हो यहाँ देखिए यहाँ सुम उता जाम से क्या त्यति साह्रो हुन्छ नि यतातिर गाडीहरू गाडी पनि झन्झडे न्यू दिल्लीमा धेरै छ नि त त्यही भएर जाम छ। मैले हामी यतातिर नास्ता खान आइदिया तु उतातिर रहेछ नास्ता खाने अनि यतातिर लास्ट उ छ यार। हामी यस्तो जाम भएर पनि जान्छौँ हामी साइड साइडमा मलाई बाल लाग्दैन भाइ दुई यस्तो सुविधा हुन्छ भाइ दुई। इडली होइन भैया इडली डोसा हम इधर इडली इडली है ना भैया ऊपर बैठ जाओ एसी लगा हुआ आराम। किधर किधर है? पहली बार आया था देखो रूटिंग इधर है। होटल में गया था हमको तो प्राइस देख के गाड़ फाड़ फाड़ गया मेरा तो यार इतना इतना बड़ा बड़ा छोड़ दो प्राइस तूफान प्राइस था दो इडली का 80 रुपया इतना इतना इडली हम देख के नहीं भाग गया मैं तो भाग गया। यहाँ पे भी नाश्ता है हम वहाँ जाते हैं लेकिन इधर गाड़ी देख के हमें डर मान के इधर आ गया। सो गाइस मैं यहाँ नाश्ता खाँचु भाई दुए अभी छोले समोसा नाले छोले भटूरा है ना भैया क्या है? आलू पराठा। आलू भटूरा अच्छा आलू भटूरा आलू परोठा रहे भाई दुए छोले समोसा माने को भाई दुए हाँ डाल दो भैया दो प्लेट। एक प्लेट कितना क्या भैया? 30 रुपये 30 रुपीज याद भाई। अभी छोले भी मिल आलू परोठा छोले अब हमें खाँचु भाई दुए। सो जस्ट हामीले नास्ता खाइसके बाइदो अनि अब म हिन्दी बोल्दैन हिन्दी मलाई आउँदैन
अनि त्यही भएर नि खालि बिचमा हिन्दी खालि बिचमा नेपाली यो गर्न आउँदैन, त्यही भएर म नेपाली डाइरेक्ट नेपाली मात्र बोल्छु। बाइ द यतातिर केएफसी पनि रहेछ होइन, बाबा धनगढीको बाइ हेर्नु त भाइहरू केएफसी पछाडितिर राम्रो रहेछ बाइ द वे हेर्न बित्तिकै उताबाट हेरिदिएको थियो यो केएफसी, अनि त्यही भएर हामी आइदिएछौँ यतातिर। अरे बाबरे कति ठुलो ठुलो मान्छे हुने यार, इधर भैया लोग सेम आइटे। आपका नाम क्या है भैया? आपका नाम के गुणराज मैं नेपाल से हो भैया, आपका बिग फैन हो गया सच में, मेरा ब्लॉगिंग है आप सब्सक्राइब कर देना। हम लोग सब बास्केटबॉल प्लेयर हैं भाई, बास्केटबॉल प्लेयर बास्केटबॉल। ओ माय गॉड फाइनली अभी हम अभी नेशनल जा रहे हैं अभी अभी हाँ तमिलनाडु, मैं भी तमिलनाडु जा रहे हैं। तमिलनाडु जा रहे हैं कितने बजे? रात को 9 बजे। हाँ वही सेम सेम ट्रेन में मिलते हैं फिर, मिलते हैं भैया तो फिर सेम चलेंगे यहाँ से, साथ में यहाँ से। अच्छा ओके भैया मैं चलने जाता हूँ, उधर घूमने चले जाता हूँ। भाई दो गुंडा भाई मिलते हैं भाई, ओके मिलते हैं ब्रो। कलम गुंडा किसका? उसका है ना भैया, तो भैया ने एक पंच आना तो सब मर जाएंगे देखने साथ हट्टा कट्टा देख रहा है भैया, तो पंजाब का गुंडा पंजाब का। लो भैया हम चल जाते, ओके बाय भैया। लाइव में तपाईहरुलाई स्माइल गर्नु छ भने हैन मेरो फेस हेर्नु होला, अलवेज स्माइल हुन्छ तपाईँको फेस बाय द वे। अनि यतातिर टिकटको प्लेट थाम पनि काट्नुपर्छ, नकाटेपछि यहाँ पुलिस चेक गर्छु नि त बाय द वे। अनि त्यही भएर मान्छेहरू उतातिर काट्न आउँछन्, म पनि लागेको छु त्यही काट्न, टिकट काट्नमा टिकट अर्को टिकट पनि हुन्छ क्या, प्लेट थाममा बस्नेवाला टिकट पनि हुन्छ, अनि भित्र बस्न दिन्न नि त त्यही भएर हो कि काट्न आएको। लाइन त धेरै छ नि यार बाय द वे, यार हाम्रा ताल नै आएगा बाय द वे लाइनमै, हमारा ताल नहीं आएगा ना भैया, हमारा आएगा ना टिकट काटने में ताल नहीं आएगा, इतना बहुत है ना इसलिए नंबर नहीं आएगा हमारा टिकट काटने में बहुत है यार अभी है ना अंकल, लाइन नहीं आएगा ना हमारा, अरे बहुत माथा आ रहा है ढिलो आ रहा है लेट लेट आ रहा है। कहाँ जाओगे? चेन्नई। आप कहाँ जा रहे हो? लखनऊ। ए यति धेरै लाइन थियो होइन, अझ पनि मैले पाइसकेँ बाइ द वे टिकट। सो अहिले हाम्रो ट्रेन आउनु स्टार्ट भइसक्यो बाइ द वे, 9 बजिसक्यो नि त, त्यही भएर हामी आइसकेछौँ बाइ द स्टेसनमा। अनि दोस्त यतातिर भेटिसक्यो त बाइ द, नेपाली आउँदैन हिन्दी मात्र हो, हिन्दी तुमको आते होइन, हेलो आधा काला आयो चेन्नई। सो आज हम जा रहे हैं उधर चेन्नई में जा रहे हैं, हमको मोस आ रहे हैं लेकिन हमारा इधर सीट नहीं पा रहे हैं, इधर जो है ना सीट सीट पाइन ना सुने के दोस्त है, क्योंकि हमें खोजना चाहिए था जो हामीले चिप्स सिप्स किनिसक्यो बाइ द वे तपाईँहरू हेर्नु होइन, अब हामीले बाटोमा खानुपर्छ नि त, बाटोमा भुख लाग्छ हामीलाई, तल तल सिट पाएँ होइन यतातिर, यो सिटतिर हामीले पाएँ बाइ द वे, हाम्रो यो राम्रो लाग्यो हामीलाई यो सिट। सो आजको च्यालेन्ज के छ भने होइन, 3 दिनसम्म त यहाँबाट चेन्नई जाने, डिल्लीबाट चेन्नई, अनि त्यही भएर म तपाईँलाई सबै भन्छु के गर्छु के गर्दैन भनेर बिचबिचमा सबै भन्छु, त्यही नास्ता नास्ता खान्छु अनि त्यही घुम्छु उतातिर, त्यो कसरी सर्भाइभ सर्भाइभ गर्छु भनेर भन्छु म तपाईँलाई। थिएँ सो मर्निङ गाइज, अर्को म अर्को ब्लग बनाउँदैछु होइन, अर्को दिन सुरुवात गरिदिन्छु बाइ द वे, यहाँ ट्रेन हेरेर यहाँ यस्तो छ इन्डियातिरको यो ट्रेन, आहा सिन अन्त यो इन्डियाको सिन ट्रेनको सिन यस्तो हुन्छ स्टेसन बस्दै ठाउँतिर। नास्ता आयो बाइ द वे, समोसा दुइटा समोसा, तातो 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 समोसा आयो, तातो तातो होइन अहिले बनाएको जस्तो यस्तो मिठो मेनली के मजा आउँछ भने थाहा छ तपाईँलाई, मलाई ट्रेनमा त्यो ट्रेन हेर्नु मजा आउँछ कि, यस्तो बाल देखिन्छ ट्रेन यहाँबाट, ओ माई गड मैले कस्तो देखेर छु म यहाँ कहाँलाई यस्तो मार्दा छ यहाँ फुल्चाएर मार्दा हो क्या यस्तो ट्रेनहरूले, न
नहेरेर ठाउँमा बाटो यतातिर त जङ्गल जङ्गल छ नि त मेनली, अनि त्योपछि नहेरेर यहाँ ट्रेन चलाइदिन्छ नि, त्योपछि मारिदिन्छ यतातिर एनिमलहरूलाई, एनिमल यस्तो केहरू हुँदैन मेनली, यस्तै भनौँ यो रोडमा के हुँदैन, अगाडि आएपछि कुल्चिन्छन् त नि के मान्छेहरू त कति मर्छन् यतातिर ट्रेनमा, तपाईँले खबर त सुन्नु भएको छ नि, चेपेर मर्छ भनेर खाना खाना नास्ता हास्ता हुन्छ नि, चाय साई वास्ता यस्तो नराम्रो हुन्छ, बिरानी सिरानी त छोडिदिउँ ठिक हुँदैन, नराम्रो हुन्छ लास्ट, मलाई त यस्तो एउटा खायो बिरानी होइन मलाई झ्याप्पै दिएर त्यो बिरानी खाएर हामी यस्तरी बसेछु रे, तँलाई जुत्ता लगाएर उतातिर उतातिर सुमाछ, अनि हामी यतातिर बसेको छौँ, अनि यता ट्रेनको साइडतिर होइन यस्तो गन्दगी हुन्छ छोडिदिनु, पुरै नराम्रो खाना साना खाएको पनि कुराहरू होइन यतातिर फ्याँके हुन्छ नि त, झ्यालबाट फ्याँके हुन्छ, त्यही भएर साइड साइडमा फोड्छौँ, तपाईँहरू हेर्नु हनुमानजीको मन्दिर पनि रहेछ ज्यानमान, अनि खाना साना खा आएन एकछिन पछि आउँछ खाँदैन, तर आएन अहिले खाँदैन हामीले, अहिले फर्स्ट टाइम देखेँ आयो तिमीहरूबाट नाम के आयो तुम्हारा बहनी बहनी है बेन बेन यतातिर क्युटी पाई समोसा खाँदैछ, बे समोसा खा रहा हूँ नजुम बोलो, बे समोसा अभी खा रहा हूँ आराम से खा रहा हूँ, हाँ उनीहरूलाई समोसा खेलाइदिनु पर्छ कि खेलाइदिनु पर्छ बच्चाहरूलाई अटोमेटिक आइहाल्छ कि माया गर्छ गरिहाल्छ, आइ त्यहाँ म यस्तो बोरिङ भइसकेँ होइन लगातार तिन दिनसम्म यता त्यो ट्रेनमा बस्नुहरू नि त एउटा सिटमा मलाई रात झ्याउ लाग्दा फेरि एउटै सिटमा यहाँ बस्ने यहाँ उठ्दै यहाँ काँदाउ काँदाउ जस्तो लाग्ने अरे मलाई यहाँ त्यस्तो लाग्ने रहेछ कि एक्लै हुँदा त्यो एउटा मेरो साथमा आज होइन त्यसले त्यो टिकट नकाटेर छ त्यो त पुलिस त पुलिस थाहा लैहाल्यो त्यसलाई त, ट्रेनको गल्ली भनेको यस्तो हुनु यस्तो छ भैयासँग बोलेर हामीलाई खुसी लाग्यो भाइ चाहिँ बहुत अच्छा लाग्छ है यसको मतलब दोस्तको अब उतातिर नागपुरमा आइसक्यो स्टेसनमा भाइ दाइ, अब हामी फिलहाल मिलेङ्गे बादमै ए पृथ्वी राउन्ड है भाइ दाइ, हामी मिलेङ्गे बादमै नागपुर है हामी यताबाट लिइसक्यो खाना भाइ दाइ 50 रुपियाँको यतातिर के हुन्छ होइन एक दिन छुट्टिया हुन्छ अर्को दिन जान कि तयार बसिया हुन्छ टिकट सिकट अलरेडी काट्या हुन्छ कि अनि हामी पनि अब यतातिर जान यहाँदेखि उतासम्म ऊ परसम्म छ भाइ दाइ टाइम हो नि त त्यही भएर यतातिर छोडेको छ हामीलाई पानी सानी भर नास्ता नास्ता खाऊ भनेर त्यही भएर हामी यतातिर आइदिएको छौँ भनेको अहिले नास्ता नास्ता खान्छु बाटोबाट 30 रुपियाँ सो मैले नास्ता खाइसकेँ भाइ दुई म पानी खान्छु अन्त नास्ताहरू त आउँछ छोले समोसा पुरी भाजी साजी अनि आलु परोटा अन्डा सन्डा चिया सिया अटोमेटिक खाइहाल्छ रातो माटो पाउने भनेको यो हो यो कुन एरिया थाहा छैन तर रातो माटो पाइन्छ यो वाला हेर्नु तपाईँहरू यहाँबाट ऊ हुन्छ कि घर बनिने यो गरिने यो पनि रातो होला है पुरै हिँड्ने ठाउँ पनि रातो रातो हो माई गड यो इलाकामा मात्र है तर अरू ठाउँमा त पाइँदैन रातो माटी यो मात्र हो अनि त्यही भएर त व्यापार हुन्छ कि पाइँदो रातिको खाना अन्डा बिरयानी 80 रुपियाँ लिने रहेछ अहिलेको बिहानको 2 बजी रहेछ यस्तो निना लाना कुछ हेर मलाई ठाउँ
कराउँछु हैन यहाँ चाइ चाइ मात्र भनेर कराउँदै छु आइ जा मिलेर म यतै त्यो कोपचामा बसेछु अहिले मान्छेले यस्तो नि सिधा तपाईलाई मजा आउँछ भन्छ यी देख्नु अहिले हामीलाई उतार्यो कति छ साढे छ बजीतिर उतार्छ टाइममा टाइम फाल्छ धेरैतिर यस्तो भिडभाड हुन्छ चेन्नईको बाहिर बाहिरतिर छु अहिले चेन्नई सेन्टरको बाहिरतिर छु तपाईँहरू हेर्नु अब मैले यहाँबाट अटो खोज्नुपर्ने हुन्छ बाहिर त्यतातिर ट्याक्सीहरू पनि छन् अब ट्याक्सीमा त म चढ्दैन अटोवाला पनि यताबाट लुट्छन् क्या धेरै मम्मी डेडीले के भनिहाल्छ कि यतातिर बट्टाहरूको अटोमा मात्र चढ्नु नत्र नचढ्नु भनेको थियो त्यही भएर म बट्टाको खोज्न आएको अटो अब हाम्रो साइडतिर एउटा बाजे छन् लाइक बाजे अङ्कल हिन्दी आती उधर जाऊ क्या के चुलामेट हाई रोड चुलामेट चुला सो हामी तातासँग अब जाँदैछु अटोमा भाइ तपाईँ यो पछाडिको अटो हो मेरो पछाडिको लुक्स हेर्नु बिहान बिहानको आरामले आहा कस्तो देखिन आएको छ उकाट्नु भा सो म घरमा पुगिसकेको छु आजको भिडियो यति नै यदि हजुरलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक गरिदिनु सेयर गरिदिनु कमेन्ट गरिदिनु सब्सक्राइब गरिदिनु भाइ